नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अपनी दबंगई के लिए मशहूर दमोह जिला के पथरिया सीट से बसपा विधायक रामबाई एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल रामबाई की दबंगई का एक और नया नजारा भोपाल में देखने को मिला, जब रामबाई ने 74 बंगले के बी 12 में ताला डाल दिया। जबकि ये बंगला पहले कमलेश्वर पटेल को आवंटित था, लेकिन बाद में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल और कमलेश्वर पटेल ने बंगला आपस में बदल लिया था। वही रामबाई ने अपने लोगों को भेजकर बंगले में ताला डलवा दिया। बाद में PWD के अधिकारियों को सूचना मिलते ही उन्होंने ताला तोड़कर दूसरा ताला लगा दिया। प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया सीट से बसपा विधायक रामबाई, आपने इनका नाम तो बखूबी सुना होगा। इनके लगभग वीडियो वायरल होते रहते हैं, कभी अधिकारियों से तू तड़ाक करना, कभी मंडी में अधिकारियों को धक्का देकर कार में बिठाना। इसी तरह से अब इनका एक नज़ारा, धमकी भरा जो आक्रामक रूप है, वो भोपाल में देखने को मिला है। 74 बंगले में जो बंगला कमलेश्वर पटेल को आवंटित हुआ था B12, जिसमें कमलेश्वर पटेल को यह बंगला आवंटित हुआ और बाद में ये बंगला प्रदीप जायसवाल ने और कमलेश्वर पटेल ने एक दूसरे से बदल लिया। लेकिन ये बंगला कमला रामबाई को इतना पसंद आया कि रामबाई ने इस बंगले पर अपना ताला डाल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ ये गेट जाली टूटी हुई है जिसमें ताला डाला गया है। उसके बाद PWD के अधिकारियों को जानकारी लगने के बाद उन्होंने ताला तोड़कर और अपना ताला लगाया है। इसी के साथ रामबाई जो है एक आक्रामक रूप में नजर आ रही है। जहाँ समर्थन देने की बात आ रही है, वहाँ अभी उन्होंने हाल ही में चेतावनी दी है कि अगर 24 जनवरी तक मुझे मंत्री नहीं बनाया गया तो वो समर्थन वापस ले लेंगी। आज 24 तारीख हो गई है, अब देखना आगे होगा कि वो क्या करती हैं, समर्थन देती हैं या वापस लेती हैं, क्या करती हैं। अभी तक तो वो समर्थन दे रहे हैं। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि वो हमारी बहन है, वो जो चाहें वो कर सकती हैं, हम उनको मना सकते हैं कैसे भी करके। कैमरामैन आकाश वर्मा के साथ विवेक शर्मा, 7i भोपाल।